कैफे वाली वो वेज सैंडविच का टेस्ट याद है? बस आज वही बनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Hey foodies, welcome to Ashima's Kitchen. बहुत सारे फ्रेंड्स से ये सुना है कि सैंडविच घर बना तो लेते हैं पर खाने का मजा बाहर ही आता है। पर आज की मेरी ये वेज मेयो सैंडविच की रेसिपी देखने के बाद आपकी ये शिकायत नहीं रहेगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मॉर्निंग में एज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट लेनी हो या इवनिंग में एज अ स्नैक्स लेनी हो, 10 मिनट में झटपट बन के तैयार हो जाती है। चलो बनाते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी। सैंडविच के लिए एक बाउल में मैंने लिए हैं हाफ कप चॉप्ड कैबेज यानी कि पत्ता गोभी और हाफ कप चॉप्ड रेड कैप्सिकम। अगर ये इजीली मार्केट में अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और डाल सकते हैं ग्रीन चॉप्ड कैप्सिकम जो मैं अभी डाल रही हूँ। ये भी मैंने ली है लगभग हाफ कप। और लेंगे हाफ कप कैरेट, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है। और डालेंगे कॉर्न्स। कॉर्न्स आप फ्रोजन भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर फ्रेश कॉर्न्स हैं तो आप इनको अराउंड 40 सेकंड्स माइक्रोवेव करके डाल सकते हैं। हाफ कप चॉप्ड टमाटोज। सभी वेजेस के बाद हम डालेंगे इसके अंदर मेयोनीज। ये मैंने लगभग 4 टेबलस्पून्स ली हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून सॉल्ट और एज पर योर टेस्ट। इसके ऊपर क्रश करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर लाइक हाफ टी स्पून। अब अपने सैंडविच के मिक्सचर को हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी डिलीशियस मियो मिक्स हमारे वेज मियो सैंडविच के लिए बनके तैयार है। इट इज लुकिंग टू क्रीमी एंड कलरफुल। इसके अंदर आप अपनी कोई पसंद की वेजी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ व्हाइट ब्रेड। इसके लिए आप व्हीट ब्रेड या मल्टीग्रेन ब्रेड भी ले सकते हैं, यानी कि जो ब्रेड आपको इजिली मार्केट में मिल जाए आप वो ले सकते हैं। ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे बटर। इसके लिए आप ध्यान रखें कि बटर को आप 1 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें तो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा और लगाना आसान हो जाएगा। एंड अगर आप ये सैंडविच नाश्ते पे ले रहे हैं तो बटर थोड़ा ज्यादा लगा सकते हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट शुड बी लिटिल हैवी। और अब स्प्रेड करेंगे हम हरी चटनी। ये मैंने घर पे बनी हुई धनिये की चटनी ली है, इसको भी हम ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। एक स्लाइस हमारी रेडी हो गई है। अब हम अपनी ब्रेड की दूसरी स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर भी उसी तरीके से बटर लगा लेंगे, क्योंकि बटर को हमने पहले फ्रिज से निकाल लिया था और ये रूम टेम्परेचर पे है तो ये बहुत ही आसानी से हमारी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। फटाफट से अपनी स्लाइस के ऊपर बटर लगाने के बाद हम अपनी स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी से सैंडविच का फ्लेवर काफी अच्छा आता है। और अब अपनी स्लाइस के ऊपर स्प्रेड करेंगे अपनी वेजीज की मेयो मिक्स। इसकी एक थिक लेयर हम अपनी ब्रेड के ऊपर लगाएंगे जिससे कि हमारी सैंडविच बहुत क्रीमी बनेगी। और दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर रख देंगे। हमारी सैंडविच की स्टफिंग अच्छे से हो गई है और ये देखने में काफी हैवी लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसे कैफे में मिलती है। अब हम गरम तवे पे डालेंगे थोड़ा सा बटर। तवे पे बटर इसलिए डालना है क्योंकि बटर से ही सैंडविच में अच्छा गोल्डन क्रिस्प कलर आता है। अब सेकेंगे हम अपनी सैंडविच। आप चाहें तो तवे के ऊपर लिड लगा के सेक सकते हैं, इससे अंदर की स्टफिंग भी थोड़ी सी पक जाती है। लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसको सेकेंगे। सैंडविच की दूसरी साइड पर बटर की एक पतली लेयर लगाकर इसको अब हम पलट लेते हैं। वाओ, इसका कलर कितना अच्छा आया है, क्रिस्प गोल्डन कलर जैसा मार्केट वाली सैंडविच का होता है। अब इसको दूसरी साइड से 1 से 2 मिनट तक सेकेंगे। एंड हाँ, फ्लेम को लो पे रखना है ताकि ये जले ना। सैंडविच हमारा बनके तैयार है। आवाज से पता लग रहा होगा कि ये कितना क्रंची बना है। अब हम इसको डायगनली नाइफ से कट कर लेंगे। एंड जस्ट लुक एट दिस सैंडविच, दिस इज लुकिंग सो टेम्पटिंग एंड सो रिच। मैंने ये सैंडविच तवे पे बनाया है, आप चाहें तो ग्रिलर में भी सेम रेसिपी फॉलो करके इसको बना सकते हैं। मुझे तो वेज सैंडविच खाके मजा ही आ गया। इसके ऊपर का क्रस्ट बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही क्रीमी लग रहा है, साथ ही वेजिटेबल के चंक्स बहुत ही स्वाद लग रहे हैं। तो आप भी वेज मेयो सैंडविच को जल्दी से बना के ट्राई करें
एंड अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, अभी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज आशिमास किचन इज ऑल अबाउट बनाओ खाओ और खिलाओ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।